है वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग। आज हम यहाँ पासीघाट स्मार्ट सिटी से हैं, तो कल को वहाँ 17 तारीख को मैं वो MLA कस करके ओकेन टाइम के स्कूल का इनोग्रेशन करने जा रहा है, तो उसी को आपको दिखाने के लिए हम यहाँ से पासीघाट स्मार्ट सिटी से सफ़र करके जा रहा है आपको दिखाने के लिए। और वीडियो को हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हम जा रहे हैं कि वहाँ मोबो की तरफ में, जिससे भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, ये पापलू का ये ससुराल का घर पे हम सोया है, तो ये उसका बहू। देखिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा है ना? ठीक है, चलो ये अबू को हम हाथ मिलाएगा। अबू चलो हाथ मिलाएगा, हम हाथ मिला रही है। थैंक यू रिया बोरे, चलो बाय बाय। आपको चढ़ के जाने का दिल नहीं है, मैं बो को बहुत अच्छा लगा। इसी घर पे सुहा था हम, CSR का घर है मैं बो, और हम निकल गए ऐसे वहाँ फंक्शन की तरफ में आपको दिखाने के लिए। Placement of SPT school building at Government Higher Secondary School Mabo in East Siang district, inaugurated by Shri P.D. Sona, Honorable Minister for Education, Rural Works, Tourism, Parliamentary Affairs and Libraries on 7th. मुख्य अतिथि महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री श्री P.D. सोना सिंह के साथ हमारे विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मुच्चू मिट्टी, माननीय विधायक रोइन एवं सलाहकार माननीय शिक्षा मंत्री, साथ ही आदि वेशभूषा पूर्ण नहीं होती है जब तक कि आदि समुदाय के पुरुष शामिल और आयोग का प्रयोग न करें, तो ये पूर्ण रूप से आज हमारे सब इसके साथ मैं आप जो है निवेदन करना चाहूंगी हमारे आज के विशेष अतिथि पासीघाट ईस्ट विधायक श्री परिवार की ओर से हमारे विधायक 39 लोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री ओकेन नाइक सर, माफी चाहूंगे हमारे आज के विशेष अतिथि हैं हमारे बीच कादिल परमे सर, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। कादिल परमे सर इन ऑनर से हमारे बीच ऑनरेबल एक्स MLA नवोदय जी,
respected DC Pasigar, SP, Director of Education. It's a very important history day, only important event, my work day, especially Educational Shekhar Day. ये जो बिल्डिंग है हमारा मैपो एरिया के लिए, मैपो का एजुकेशन के लिए, मैपो का बच्चों का फ्यूचर के लिए, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग। ये हमारे एजुकेशन का फ्यूचर का और एक मिला है। जो भी ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, मैं सबको फिर दोबारा थैंक यू करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा, वेरी वेल डिजाइन, वेरी वेल भी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है। व्होएवर वाज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, आई थैंक देम ऑल एंड आई वांट टू से। तो हमारा जो शिक्षा मंत्री है, इज अ वेरी इज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, मैन ऑफ कंपटीशन, बहुत जानने वाला, वेरी नॉलेजेबल, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। तो हमारा सौभाग्य की बात है कि वी हैव समबडी लाइक हिम हेडिंग आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अभी हम लोग डिजिटल सेक्टर में हमारा जितना रिश्ते में कमजोरी है, सेटेक है, शॉर्टकमिंग है, अभी सबको उसको एक मंथन कर देना और एवरीबडी है डिजिटल सेक्टर। तो ये एक्सरसाइज बहुत शुरू हो चुका है। तो हमारा मंत्री जी अभी इंग्लिश टू वेस्ट को करने जा रहा है। सो आई अगेन मैं इनको धन्यवाद देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के हमारे करने का ठीक है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू। तो सर ये बिल्डिंग में अभी वी ओनली हैव द बेयर बिल्डिंग, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे एजुकेशन में, जो भी अच्छा क्वालिटी का एक्सपेरिमेंटल ये स्मार्ट क्लासरूम करते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक फैसिलिटी फ्लैगशिप एनी जो एक्टिविटी है कैन बी ट्राइड एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्टेट। वी लीव दिस फैसिलिटी ओपन टू सर एंड आई अश्योर यू हमको हाईएस्ट क्वालिटी से हम उसको मेंटेन करेंगे और उसको जो है उसका प्रोग्रेसिव मैनर से हम उसको मेंटेन करके हम बाकी रखेंगे। और ये दूसरा बात है, अभी हम लोग आप लोगों ने सुना हुआ है एजुकेशन सेक्टर में को रिवेव करने के लिए क्यों ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज होने जा रहा है, कॉन्सोलिडेशन होने जा रहा है स्कूल का, रेशनलाइजेशन जैसे आप लोगों को पता है वो स्कूल है जिसमें आपके स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, दो स्टूडेंट में चार टीचर है ऐसा बता दिया, 20 स्टूडेंट में एक टीचर है, उसमें क्या होता है ऐसा लोकेशन लॉजिकल नहीं होता। जैसे एक बस्ती में विदिन 500 बस्ती दो स्टूडेंट है, सारा हम लोग अपना सब स्कैटर्ड है, तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए सो लॉजिकल बनाने के लिए ये एक्सरसाइज चल रहा है। ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, व्हाई दिस एक्सरसाइज इज बीइंग डन, ओनली पर्पस इज टू ब्रिंग क्वालिटी एजुकेशन, द ओनली पर्पस इज टू गिव आवर चिल्ड्रन बेटर फ्यूचर बेटर एजुकेशन। इसके आप लोगों का हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने हम आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हो रहा है इट इज फॉर अ बेनिफिट ऑफ आवर सोसाइटी, इट्स अ बेनिफिट ऑफ आवर चिल्ड्रन, इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर एजुकेशन। ये तो कॉन्सोलिडेशन का जो प्रोग्राम है ईसीएम डिस्ट्रिक्ट हैज बीन गिवन एज अ मॉडल डिस्ट्रिक्ट, ये हम लोग एक कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ में सक्सेस हुआ तो ये बाकी स्टेट में भी एग्जाम्पल जाएगा। तो हम लोग जो है अननेसेसरी इडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस नहीं करना है, ये नहीं ये और मेरा कम्युनिटी नहीं होना है, मेरा मुस्लिम स्कूल एक भी कम हो जाएगा उसके क्यों चला गया, ये क्यों कर रहा है ओनली फॉर बेटर टीचिंग स्टाफ, तो उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और स्टूडेंट की भी स्टूडेंट रेशियो के इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये एक्सरसाइज पे हम लोग कोऑपरेशन नहीं करेगा तो ये हम लोग एक बहुत ही बड़ा मौका हम लोग गवा देगा। इसलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि अभी रचना निर्देशन का एक्सरसाइज चल रहा है, तो आप लोग फुली समझ के कोई कोई होगा आपका डी डी एस सी है तो मेरा पास भी आइए, हम लोग डी ओ है, हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना तो अभी ये प्लान में हम लोग अगर सक्सेस हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, टीचिंग स्टाफ पे स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगा, क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव होगा, बहुत प्लान है। लेकिन ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फैसिलिटी है उसको हम लोग लॉजिकली रिस्टलाइज करना पड़ेगा, उसमें कोई कोई स्कूल क्लोजर भी हो सकता है।
residence was in near Rani Pass Mike. Pass Mike said, they don't have to write us a letter. There were 18 members every day. तो मेरा देश में ऐसा चलने वाला काफी एजुकेटेड हो गया, हम भी एजुकेटेड हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हम आप शिक्षा के लिए आप बहुत प्रोग्राम कर सकते हैं, धीरे धीरे सोसाइटी को बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल ओपन माइंडेड से फूल प्रोपरेशन से अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिसी आ रहा है, एक्सेस आ रहा है, ओपन नाम से दैट इज इसको ये सीखी थी और मैं दोबारा बोलूँगा इस स्कूल इज वेरी स्पेशल पीपल आई कैंगन प्रोग्राम है यहाँ का जो मैनेजमेंट है प्रिंसिपल है यहाँ का स्पेशल काफ़ी स्टैंडर्ड से मेंटेन भी कर रखा है इसका फैसिलिटी अच्छा होना है आपकी प्रोजेक्ट मेरी ने सब कुछ बेहतर होना है और मेरा साइड से जो भी कॉपरेशन चाहिए मैं हमेशा हूँ तो जहाँ का जो जितना भी क्लास में बेंच नहीं है काफ़ी काफ़ी चीज़ हम लोग जरूरत है साथ में प्रेस करूँगा हम कागज़ तैयार करके बताया तो ये आप सफर देंगे बोलते हम तो मैं आशा करता हूँ ये शब्दों के साथ मैं आज यही बहुत अच्छा हो एंड फ्रेंड टू आदर पॉलिसी
नमस्कार सभी को, अपर सियांग ट्रेवलर ब्लॉक। कल को यहाँ पासगत किस्मत से सफर करके वहाँ मोबो की तरफ में ओकेन तेंग जी और मिनिस्टर मीटिंग को आपको दिखाया है अच्छी तरह से। हो सके तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप सबका मदद चाहिए। तो सभी को जय हिंद। आज पासगत किस्मत सिटी पे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, पक्का आप सबका भरोसा में। बाय बाय सभी को।